नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। कहते हैं अगर आदमी के अंदर हौसला, जुनून और जज्बा हो तो वो कुछ भी कर सकता है। ऐसी एक कहानी रिजवान अहमद की है, जो कि मध्य प्रदेश की ओर से व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए एकमात्र चुना हुआ खिलाड़ी है। रिजवान अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि इंडियन व्हीलचेयर क्रिकेट के लिए उसे चुना गया है। लखनऊ में एक प्रतियोगिता के बाद उसको चुना गया है। इसके पहले बनारस, मेरठ, दिल्ली और अन्य जगह भी वो खेल चुका है। स्कूल के समय से खेलते हुए जब उसको जानकारी मिली कि इस तरह का भी एक टूर्नामेंट होता है, तो उसके लिए उसने ट्राई किया और अब इस मुकाम पर पहुंचने पर वो अपने कैप्टन को उसका श्रेय देता है। हालांकि रिजवान अहमद का चयन भले ही हो गया हो, लेकिन स्थिति यह है कि अभी किट खरीदने तक के लिए उसके पास पैसे नहीं है। एमपी टीम में एक साल तक खेल रहा था, उसी चलते मुझे सिलेक्शन हुआ है। मैं बनारस, मेरठ, दिल्ली हर कहीं खेल के आया हूँ। तो लखनऊ गया था खेलने के लिए, तो वहाँ परफॉर्मेंस अच्छा गया तो वहाँ से सिलेक्शन हो गया। कितने लोगों का अपने यहाँ? सिर्फ मेरा खाली हुआ है, एमपी में पूरा मेरा खेला। क्रिकेट तो छोटे से खेल रहे थे, जब दोस्तों में खेलते थे धीरे धीरे, फिर धीरे खेलते खेलते रहे। फिर क्या नाम, पता चला कि व्हीलचेयर क्रिकेट भी होता है, तो उसको कॉन्टैक्ट करना चाहा, तो एक साल तक कुछ हुआ नहीं है। फिर एक साल बाद मैदीन सर मिले मुझे, तो उनको हमने बताया, तो उन्होंने ठीक है आप ट्रायल दीजिए मुझे। तो उनने मेरा ट्रायल लिया, बोले ठीक है आपकी एमपी टीम में उन्होंने हमें रख लिया। मतलब खेला, फिर खेला तो परफॉर्मेंस अच्छा गया। फिर पहला मैच गया था मेरा मेरठ से, वहाँ खेला, दिल्ली से खेला, ऐसा परफॉर्मेंस अच्छा चलता गया। फिर लखनऊ जाके खेला तो वहाँ अच्छा हुआ परफॉर्मेंस, तो वहाँ से सेलेक्ट हो गया। मेरा नाम मैयादीन अहिरवार है और मैं मध्य प्रदेश टीम ऑपरेटर और 2 साल व्हीलचेयर क्रिकेट टीम का कैप्टन भी रहा हूँ मध्य प्रदेश की ओर से। ये हमारा रिजवान अहमद जो छतरपुर के हैं, उनका व्हीलचेयर क्रिकेट ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हुआ है, जो कि नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया के बीच कोलकाता में जो टूर्नामेंट होने वाला है उसमें ये मध्य प्रदेश टीम का नेतृत्व करेंगे। खुशी की बात, बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि ये मध्य प्रदेश टीम के लिए एक अपना योगदान देने वाले हैं। और इससे बेहतर बात ये है कि इस बच्चे की जो मेहनत है, एक साल तक तो इसे मध्य प्रदेश टीम में, मतलब जो ढूंढने में बहुत समय लगा और ढूंढने के बाद किसी से कॉन्टैक्ट नंबर मिला और कॉन्टैक्ट नंबर के बाद ये मुझे मेरे कॉन्टैक्ट में आया और मैंने इसका भोपाल में जो ट्रायल लिया, ट्रायल लेने के बाद इसकी सिलेक्शन हुई और उसके बाद ये मेरठ गया। मेरठ में इसकी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही रिजवान अहमद की, और उसके बाद बनारस गए ये और लखनऊ में लास्ट इनका जो ट्रायल था और उसमें इन्होंने 2 ओवर में 4 विकेटें जो ली थी और उसके बावजूद इन्होंने काफ़ी अच्छे रन भी बनाए थे, जिसके कारण ये व्हीलचेयर क्रिकेट ऑफ इंडिया में इनकी सिलेक्शन हुई है। खबर दिन भर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। उम्मीदों से भरे परिंदे, आशाओं की भरी उड़ान, मंजिलों की राह आसान कर कृष्णा यूनिवर्सिटी ने दिया खुला आसमान। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, जो स्टूडेंट्स को देता है वर्ल्ड क्लास हाईटेक सुविधाओं से युक्त 55 एकड़ में फैला सुव्यवस्थित कैंपस, ई लाइब्रेरी, प्रैक्टिकल लैब, हॉस्टल फैसिलिटी, बस फैसिलिटी, बीमा एवं स्वास्थ्य परीक्षण, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसी तमाम सुविधाएं। इसीलिए हम देते हैं 100% जॉब अश्योरिटी की गारंटी। इसके साथ ही स्टूडेंट एक्सचेंज जैसी ढेरों सुविधाएं। हमारे कोर्सेज हैं डिप्लोमा प्रोग्राम, ग्रेजुएट स्टडी, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी, सर्टिफिकेट कोर्सेज, तो न्यूनतम शुल्क में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से युक्त शिक्षा और 3 साल की डिग्री 3 साल में ही प्राप्त करें और लेट लतीफी से बचें। तो आज ही लॉग ऑन करें www.skuindia.ac.in और विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए हमारी वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता है यूनिवर्सिटी कैंपस, नेशनल हाईवे, सागर रोड, विलेज चौका, छतरपुर, एमपी, सिटी ऑफिस इन फ्रंट ऑफ दनादन बिल्डिंग, चौबे कॉलोनी, छतरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 07682248735 और 6262180303।